पीछे हो जाए। मुकाबला करके और मुगलों की सेना को, आदिल शाह और सिद्दी जौहर की सेना को रोक करके रखा। और एक तय हुआ था कि जैसे ही विशालगढ़ में पहुंचेंगे, शिवाजी महाराज वहां पर तीन तोपों की आवाज आएगी। जैसे ही तीन तोपों की आवाज आएगी, एवं हमारे देवास से विधायक प्रतीक गुप्ता जी, संजय तलाटी जी, ब्रजेंद्र उपाध्याय जी, राज सिंह भदौरिया जी, आपसे आग्रह करूंगा कि शीघ्रता से मंच में आए। तालियों से पूरा हाथ, ये पूरा हॉल जो है वो तालियों से गूंज पड़े, इस तरीके की ताली बजनी चाहिए। ये किस तरीके से तेजी से ये उद्योग हमारे प्रदेश में लगेंगे तो इस ओर भी होंगे, तो बहुत हमें इस चीज की सुविधा होगी। और अंत में देवास दो देवियों का वास, भगवान की विशेष कृपा इस नगर पे है हम सबके लिए, खास करके पूरे देश से आए हुए सभी लघु उद्योग भारतीयों के प्रतिनिधिगणों का आप में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबका हमारे मंच पर मौजूद एमएसएमई मंत्री सहित सभी सम्माननीय अतिथियों को भी प्रणाम करता हूँ। थोड़ा आप सबको भी बधाई देता हूँ कि आपने हमको मध्यप्रदेश में मौका दिया। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से समय ने करवट बदली और हम सब देख रहे हैं, बदलते दौर में खास करके पिछली और अगली दोनों तरफ की जो उड़ान हमारी अपनी अभी तक की हुई है, तो आप मान के चलो कि लघु उद्योग भारती के माध्यम से मैं मध्यप्रदेश की सरकार के नाते तो निश्चित रूप से कह सकता हूं, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री ने निर्णय कराया कि हम सब आने वाले समय में 5 साल में भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में बदलेंगे, तो ये तीसरी अर्थव्यवस्था बदलने में निश्चित रूप से हमारे जैसे मध्यप्रदेश भी उसमें से ऐसे बड़े बड़े राज्यों का बड़ा योगदान रहेगा। और ये केवल कहने से नहीं होगा, ये आपके और हमारी मेहनत करने से होगा। निश्चित भरोसा है हम और आप मिलकर के बदलते दौर में भूमिका का निर्वहन करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार हमारी सरकार के गठन के बाद हमने इस दिशा में बहुत सारा काम भी किया है। और अभी आप माननीय हमारे संचालनकर्ता कुछ बता भी रहे थे, आपने कहा कि इंडस्ट्री में कोई घटना घट जाए तो 304 ए लगती है, लेकिन 304 ए लगा दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लगा देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। 304 ए ये हमारे बीच में अगर गैर इरादतन कोई घटना घटती है तो ये उसी का तो हिसाब है। हमारे लिए कोई इरादतन कोई, आप बताइए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आकर के अपनी फैक्ट्री में कोई ऐसी घटना करेगा क्या? वो करेगा तो 4 क्यों करेगा, 2 ही करेगा। कहाँ जाएगा भाई, सरकार के हाथ लंबे हैं, जहाँ